ये क्या हो गया, एक नातजुर्बा कार टीम, पाकिस्तान की टीम जो एक जमाने में T20 की रैंकिंग में टॉप की टीम होती थी, टॉप के प्लेयर्स, क्या हो रहा है, जद्दोजहद में मसरूफ है, क्या हो गया? सबसे पहले तो अगर टोटल की बात की जाए, मुझे ऐसा लगा पिच इतनी कोई बुरी नहीं, खतरनाक थी, जिस तरीके से बैटिंग का डिस्प्ले हुआ है, नए बॉल पे बॉल हल्का सीम हो रहा था, अनप्लेबल नहीं था कि आप इतना, क्योंकि देखें तीन चार मैच, क्योंकि देखें अगर आप देखा जाए तीन चार पांच जो मैच हुए हैं उनमें पिचेस का बहुत ज्यादा दिख रहा था डिफरेंस, इनके जहनों में वो चीज थी जिसकी वजह से बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वो दिख रहा था। पिच में ऐसा कोई खास बोल सकते ना कि अनइवन बाउंस था, बॉल ऊपर आ रही थी, नीचे रह रही थी, इवन ब्रेक भी नॉर्मल हो रहा था, मैनेजेबल जिसको कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा पैनिक बटन अर्ली ऑन स्पेशली 8-9 ओवर तक बटन दबा रहा, जब शादाब और बाबर की पार्टनरशिप लगी, जब उन्होंने सिंगल स्ट्राइक रोटेट शुरू करी, जो मैं बोल रहा हूँ पार्टनरशिप, वहां से उन्होंने डॉट बॉल, खासतौर शादाब ने आके जो स्ट्राइक रोटेट शुरू की वो चाहता, क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं थी, उसने आते ही स्ट्राइक को रोटेट करना शुरू किया, जिसके बाद एक ही ओवर में 2 छक्के लगे और मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है 20-25 रन शॉर्ट किए हैं पाकिस्तान की, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हुई है इस पिच को रीड करने में। लेकिन जब आपका टॉप ऑर्डर, आप अंदाजा लगाएं कि रिजवान, उसके बाद फखर जमान, उस्मान खान, फखर जमान, जब तीनों 26 रन पे आउट हो जाए तो टीम तो अंडर प्रेशर हो ही जाती। अच्छा, मुझे ऐसा लगा इकबाल भाई, रिजवान जो मेरे जहन में था, रिजवान बाबर को ओपनिंग करना चाहिए और बनता भी है, रिजवान और बाबर को कैरी करने का बोला गया, स्टार्ट अच्छा लिया था, आउट हो गया रिजवान, छक्का मारा एक रिजवान ने, मगर उस्मान और फखर, इनको शायद दिया गया टास्क आपने फुल फ्लैश खेलना है, भले कोई भी आउट हो जाए, उस्मान ने निकल के मार दिया। मुझे कहीं इंटेंट, देखें इंटेंट ना बता देता है कि आप बेसिकली क्या सोच के आए हो या कोई चीज जहन में लेके आए हो, तो वो पता चल रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है। तो मुझे ऐसा लगा फखर जमान को, उस्मान को, इनको दिया गया है कि आपने फुल फ्लैश खेलना है, इवन हर ओवर में एक एटलीस्ट बाउंड्री का चांस लेना है। उसमें दो चीज होती है, या तो कनेक्ट होती है या फिर आप आउट भी होते हो। बाबर लंबा खेला, शादाब के साथ बाबर पे प्रेशर आ गया था, जबकि अगर देखा जाए शुरू के 10 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर बहुत कम था, उसके बाद इतना अच्छा रीजनेबल टोटल कर लेना, 66 रन था शुरू के 10 जी, और वो भी 9 ओवर अच्छा गया तो 66 थे, वरना 8.2 या 3 बॉल्स पे 44 रन थे। सही, तो कहीं ना कहीं मिस कैलकुलेशन हुई, मिस रीड हुई पिच के ऊपर, क्योंकि डॉट बॉल ज्यादा हो रही थी, डर तो था जहन में और वो डर दिख रहा था। तो नई बॉल प्रॉब्लम करती है, मगर जितना डरे हुए थे, क्योंकि 3-4 मैच का सामने जब होता ना, तो आप थोड़े देर तक आपके बैट पे बॉल ना आए, 2-3 बाउंड्रीज ना लग जाए, एक छोटी बहुत पार्टनरशिप ना लग जाए, फिर रिजवान आउट हो गया, स्टार्ट अच्छा लिया था, तो कहीं ना कहीं बैकफुट हो गए थे। 47 डॉट बॉल्स खेली पाकिस्तान ने, ऑलमोस्ट 8 ओवर्स। तो नहीं देखें, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक जहन में, मैंने आपको सिंगल डबल्स पे ज्यादा नहीं कंसंट्रेट किया, शुरू में, बाद में बाद में हुआ। बिल्कुल आपने सही कहा, बाद में हुआ। मेन चीज ये थी, जब शादाब आया है और उसने स्ट्राइक शुरू किए रोटेट करना, तो बाबर का ध्यान बाउंड्री से हटा है, और उसके बाद शादाब के जो 1 ओवर में 2 छक्के कनेक्ट हुए, उसके बाद मोमेंटम इधर शिफ्ट हुआ, वरना उसके बाद अगर उससे देखें, और उन्होंने थोड़ी सी बॉलिंग भी बाहर बार बॉल की, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की है, जिसपे आप हिट इजीली मार सकते हैं, इस तरह के पिचेस पे, इवन बाउंस है, आपको ये टोटल कम से कम 20-25 रन शॉर्ट है पाकिस्तान, मगर जो हमारी बॉलिंग है ये इस पे मैच जीतना चाहिए जो हमारी बॉलिंग है, इससे अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकती। फील्डिंग में आपको जान माननी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ने पड़ेंगे, डाइवों से चौके रोकने पड़ेंगे, मिस फील्डिंग आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अबरार से क्या दुश्मनी है, अबरार को घुमा रहे फिरा रहे सर, देखें पहले आयरलैंड घुमाया, फिर इंग्लैंड घुमाया, अब अमरीका की सैर करा रहे, खिला क्यों नहीं रहे उसको, क्या देखें इंडिया के खिलाफ इम्पोर्टेंट मैच में खिलाएंगे? मैं तो बोल रहा हूँ उसके खिलाफ ही खिला दें। अच्छा एक है, शादाब ने नो डाउट अच्छी इनिंग खेली और एक भमर से निकाल दिया, वो बेसिकली एज अ स्पिनर उसकी ज्यादा बॉलिंग प्लस बैट्समैन है वो। तो हमें उनके जो 4 ओवर है ना, उस 4 ओवर में कम से कम 20-25 रन, 7-1 या 2 विकेट आपको मैच में वो लेके आएंगे, और उनके भी जहन में कहीं ना कहीं शादाब के 4 ओवर होंगे, ये मैं आपको बता दूं। फिर गुज़िश्ता 11 मैचेस में सिर्फ 6 विकेट है शादाब खान की। सर मैं ये वो बता रहा हूँ इकबाल भाई, जो एक स्पिनर का इस वर्ल्ड कप में रोल दिख रहा है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। अगर आप शादाब का पिछले 3-4 सीरीजें देख लें, तो 50, 52, 55,
40 45 ये चल 10 से ऊपर की एवरेज से उन्होंने रन खाए और आउट भी कोई नहीं करे, तो आज उनको बैटिंग से कॉन्फिडेंस मिला होगा, फील्डिंग में भी अच्छा थोड़ा एनर्जेटिक तो वैसे भी है और आज उन्होंने 2-3 अच्छे स्टॉप भी किए, तो मुझे उम्मीद है अगर आज ये अच्छी बॉलिंग करते हैं इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और करनी भी चाहिए। आप एक स्पेशलाइज स्पिनर खेल रहे हैं, बैटिंग में आपने किया वेल एंड गुड, मगर आपका शोभा बॉलिंग है, बॉलिंग जिसकी पहचान पाकिस्तान टीम डिपेंड कर रही है, खासकर आपका कैप्टन, आपकी पहचान तो बॉलिंग है ना। 2017 में जब आए थे एज अ लेग स्पिनर आए थे ना, लेग स्पिनर तो बाद में इंप्रूव की। एग्जैक्टली अभी मेन चीज ये है कि इस मैच में इनके 4 ओवर में उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है, उनको पता है नए बॉल पे ये बॉलर्स तंग करते हैं, उन्होंने नए बॉल्स पे अगर आप देखें विकेट थ्रो नहीं किए, इन्होंने एक्साइटेड होके नया नया ट्राई किया, यॉर्कर आगे से अंदर लिया, उसमें इन्होंने बाउंड्रीज खाई है जो एक नेचर होती है। लेकिन शादाब को अभी बॉलिंग के लिए लाए हैं, पहला ओवर कर रहे हैं, 3 रन दे चुके हैं, अभी पहला ओवर है शादाब का, तो ये उनका टेस्टिंग टाइम है, क्या समझते हैं आप इस प्रेशर में? अगर देखें इकबाल भाई 8वां ओवर चल रहा है, 4 बॉलें होंगी, बहुत अच्छे जा रहे हैं और 1 आउट है, उनके पास बैटिंग डेप्थ तक है और वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से गए। अच्छा लोग ये समझ रहे हैं पिच में कुछ वेरिएंट एयर था, उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग कर ली, नहीं उनको वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए, उनकी स्ट्रेंथ जो है बैटिंग है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है सर? बॉलिंग है। तो दोनों बेस्ट चीज हो रही है, अब देखते हैं नफ्स पे किसका काबू है। असूलन तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग है मैं तो हाईली तजुर्बाकार है, पाकिस्तान अमेरिका और बेस्ट बॉलिंग है, दुनिया की लीग्स खेलते हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, हमारा उनका जमीन आसमान का फर्क है क्रिकेट का, मगर आप आज उनके सामने आप उनको प्रूफ करेंगे अपनी परफॉर्मेंसेस से। लेकिन आप देखें उनकी टीम में 5 इंडियंस हैं, 15 रुकनी टीम में, फिर उसके अलावा 2 पाकिस्तानी ओरिजिन के अली खान ने बॉलिंग की, उसके अलावा साउथ अफ्रीकन ओरिजिन के 2 हैं, न्यूजीलैंड का 1 है और उसके अलावा कनाडा का 1 है और बाकी अमेरिकन हैं, तो मिक्सचर है उनकी टीम जो है जी, इसमें कोई ये सारे वो है जो माइग्रेट कर गए और काफी अरसे से साथ खेल रहे, डिफरेंट क्लब से खेलते हैं, टीमों से खेलते हैं, मगर इन दी एंड वो टूर्नामेंट एक ही होते हैं, सब साथ उठना बैठना, इनको आइडिया है ग्राउंड का, पिच का आइडिया है। अच्छा उनके कहीं भी बैटिंग में आपको पैनिक नहीं दिख रहा, एक होता ना सिंगल लेते हुए भी बस पहुंचूं जल्दी, मतलब एक पैनिक दिख रहा होता है कि प्रेशर में रन नहीं बन, वो बिल्कुल नॉर्मली क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि देखें मैंने एक आपको याद ऐसा लग रहा है तजुर्बाकार है बहुत ज्यादा, देखें हर चीज का ना एक्सपीरियंस, अब आप यहाँ माशाल्लाह सालों से हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत है, इसी तरह क्रिकेट में भी रोजाना मैच खेलना उससे बहुत कुछ सीखते हैं, वो हफ्ते में 6-7 मैच खेलते हैं, आप कई दफा बता चुके हैं, और इसी वजह से खराब पिचों पे खेलने का इतना आइडिया है, क्योंकि देखें ये तो प्रॉपर पिच है, मैटिंग पे वो खेल ले, अनप्रिपेयर्ड पिच पे वो खेल ले, फिर एक आती है एस्ट्रो, वो कारपेट और उसके नीचे फर्श नहीं होता है, वो नॉर्मल मिट्टी होती है, उस पर पानी मार के उस पर कारपेट फैलाया हुआ था, उसके ऊपर सबसे मुश्किल क्रिकेट होती है और ये हफ्ते में 2-3 मैच उस पे खेलते ही खेलते। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या खैरियत से हूँ? मैं खैरियत से, कौन सा बोल रहे? अजबरीन खान बात कर रहा हूँ, जिला शंगले से हमारे तालुक है और अभी कराची में हूँ जी। क्या कहेंगे?